एक समय की बात है, एक गांव में एक अनाथ छोटा लड़का था। वो बहुत मेहनती और ईमानदार था। जब उसे भूख लगती और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, तब वो गांव के लोगों से सहायता मांगा करता था, परंतु लोग या तो उसे मना कर देते थे या उसके साथ धोखा करते थे। एक बार वो एक चाय वाले के पास जाकर बोला, चाचा कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत भूख लगी है, आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अभी भाग यहां से और मुझे काम करने दे। लड़का वहां से मायूस होकर चला जाता है। थोड़ी दूरी पर उसे एक पकौड़े की दुकान दिखती है। वो पकौड़े वाले से कहता है, काका बहुत भूख लगी है। कुछ नहीं है मेरे पास, चल जा यहां से। बदले में मुझसे कुछ काम करवा लो। अरे कहा ना, जा यहां से। वो वहां से भी मायूस होकर चला जाता है। फिर उसे रास्ते में एक मजदूर खाना खाते हुए दिखता है। लड़के ने मजदूर से कहा, मुझे भी खाने के लिए दे दो। ओ, खाना देखते ही चला आया, मेहनत करता हूँ तब खाना मिलता है, तेरी तरह मांगता नहीं हूँ। मुझसे भी कुछ काम करवा लो बदले में। मजदूर ने मन में सोचा, हाँ ये ठीक रहेगा, अपना सारा काम इससे करवा लेता हूँ। और वह लड़के से बोला, अच्छा चल ठीक है, ये वाली सारी मिट्टी बोरी में भरकर वहां उठाकर डाल दे, उसके बाद खाना दूंगा। ठीक है। उसने लगभग 2 घंटे में काम खत्म कर दिया और मजदूर से जाकर कहा, काका मैंने सारा काम कर दिया है, अब मुझे खाना दे दो। कौन सा खाना, मेरे पास खाना नहीं है, भाग ले यहां से, भाग भाग। यह सुनकर लड़का बहुत दुखी हुआ, उसकी आंखों से आंसू आ गए और वो दुखी मन से यह सोचता हुआ आगे चल पड़ा कि यहाँ के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, वह यहाँ रहेगा ही नहीं। चलते चलते रात हो गई और वो एक जंगल में पहुंच गया। वो मन ही मन सोचने लगा, मैं कहाँ हूँ, ये तो बहुत डरावना जंगल है, हे भगवान ये मैं कहाँ आ गया, यहाँ से मैं कहाँ जाऊँ। उसे जंगल में जानवरों की आवाजें भी सुनाई देने लगी, जिससे वो बहुत घबरा गया, परंतु धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। उसे रास्ते में एक घर दिखाई दिया। उसने मन में सोचा, अरे इतनी डरावनी जगह पर एक घर भी है, इस जगह भला कौन रहता होगा, अब आवाज देकर देखता हूँ, शायद कोई मेरी सहायता कर दे। उसने आवाज देना शुरू की, कोई है, सुनिए यहाँ कोई रहता है क्या, कोई मेरी आवाज सुन रहा है। तभी अंदर से एक वृद्ध महिला आवाज देती हुई आई और बोली, कौन है, कौन आवाज दे रहा है। जब लड़के ने महिला को देखा तो वो डर गया, क्योंकि उसने गले में मुंड पहना हुआ था, शक्ल भी अजीब सी थी, वो झुककर चल रही थी, उसकी उंगलियां भी टेढ़ी थी। लड़का उसे देखकर जवाब देते देते रुक गया और बहुत डर गया था। उसने मन में सोचा, ओह ये तो कोई भूत लगता है, मैं यहां और नहीं रुक सकता, हाँ भागता हूं। उधर से महिला ने आवाज दी, अरे कहाँ जा रहा है, इतनी देर से आवाज दे रहा था और अब बिना कुछ बात किए ही भाग रहा है, इधर आ, डर क्यों रहा है, तू बिल्कुल मत डर और मुझे बता कि तू यहाँ इतनी रात में क्यों आया है। लड़का रोकर कहने लगा, नहीं नहीं मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। महिला हंसकर कहने लगी, ऐसे कैसे जाने दूं, मुझे लगता है तू किसी तकलीफ में है, मुझे बता दे, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं।
उधर वो लड़का घबराहट से रो रहा था। उसे लगा कि वो उसे लालच दे रही है और यदि वो उसके पास गया तो वो उसे मार देगी। लड़का वहां से भागने लगा। तभी उस महिला ने अपनी शक्ति से उसके कदम रोक लिए और वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। लड़का रोकर कहने लगा, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दो, मैं बहुत भूखा हूँ, आज मैंने कुछ नहीं खाया है। और फिर वो बहुत रोने लगा। महिला ने कहा, क्या तूने कुछ खाया नहीं है क्या? मैं सच बता रहा हूँ, मुझे किसी ने कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया। महिला बोली, ओ बच्चे, फिर तो तू बहुत भूखा और परेशान होगा। हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। लोग मुझसे अपना काम करवा लेते हैं, लेकिन मुझे कुछ खाने के लिए नहीं देते, इसलिए ही मैं उस गांव से भाग आया हूँ। महिला यह सुनकर बहुत दुखी हुई और कहने लगी, तू इतना छोटा है, कहाँ जाएगा इतनी रात में? पता नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन उस गांव में अब नहीं जाऊंगा मैं, वहां के लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। फिर महिला ने कहा, नहीं बेटा, अब तू बिल्कुल मत रो, मैं तुझे खाना दूंगी। बच्चा मन में सोचने लगा, क्या ये सच कह रही है? पता नहीं मुझे इनकी बात माननी चाहिए या नहीं, कहीं ये मुझे खा तो नहीं लेंगी। तब उसके सामने अचानक ही बहुत से पकवान आ गए। यह देख लड़का बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अब दादी माँ आप कितनी अच्छी हैं। महिला ने कहा, ये सब तेरे लिए ही है, जो मर्जी हो वो खा ले। लड़के ने सारा खाना खा लिया और वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादी माँ, मैं बहुत भूखा था, मुझे कितना अच्छा लग रहा है। फिर वो वहां से जाने लगा। महिला ने पूछा, कहाँ जा रहा है? पता नहीं, जहां तक जा पाऊंगा वहीं जाकर रुक जाऊंगा। कैसी बातें कर रहा है पगले, तू यहीं रुक मेरे पास, मैं तुझे कभी भूखा नहीं रहने दूंगी और जो तेरा खाने का मन होगा वो खिलाऊंगी तुझे। हाँ, क्या आप सच कह रही हैं? हाँ, इंसानों के साथ रहकर तो तू परेशान और भूखा ही रहेगा और दूसरों का काम करता रहेगा, तुझे कुछ नहीं पता कि इंसानों के साथ कैसे रहना है। हाँ दादी माँ, आप ठीक कहती हैं, मेरा कोई नहीं है ना, इसलिए मैंने कभी कुछ नहीं सीखा। हाँ, इसीलिए ही कह रही हूँ, यहीं रुक मेरे पास और मजे कर, तू दिल का साफ लगता है मुझे। लड़का मन ही में सोचने लगा कि ये दादी माँ तो कितनी अच्छी है, मैं तो ऐसे ही इतना डर रहा था। तब महिला ने उसे एक छड़ी दी और कहा, ले ये रख। ये क्या है दादी माँ? ये जादुई छड़ी है, ये दूसरों की मदद करने में तेरी मदद करेगी। तू हर तरफ घूम और जहां भी तुझे कोई अनाथ, गरीब या अपाहिज दिखे, सबकी मदद करना। जब तू किसी की मदद करना चाहेगा ना, ये छड़ी तुरंत तुझे हर चीज दे देगी। रख ले इसे, तू इस छड़ी पर बैठ जा और यह तुझे हर जगह ले जाएगी, तुझे चलना भी नहीं पड़ेगा। हाँ। ये क्या कह रही है दादी माँ, छड़ी पर बैठ जाऊं? हाँ हाँ बैठ। जैसे ही लड़का छड़ी पर बैठा, वो थोड़ी ऊंचाई पर उड़ने लगी। लड़का बहुत खुश हुआ और हंसने लगा। जा अब जहां जाना है तुझे और लोगों की मदद कर, और लौट कर मेरे पास ही आना, तुझे खाना मैं ही खिलाऊंगी। ठीक है दादी माँ,
चलता हूँ। मजा आ गया। और फिर वो सुबह होते होते जंगल के ही पास एक गांव में पहुंचा। वहां उसे सड़क पर एक भिखारी दिखाई दिया। उसने कहा, छड़ी इनको पैसे और खाना दो। तभी भिखारी के सामने तुरंत भोजन और पैसे आ गए। भिखारी खुश होकर लड़के के पांव छूने लगा। फिर उसे एक अपाहिज व्यक्ति दिखाई दिया। लड़के को लगा कि वो वास्तव में अपाहिज नहीं है और वह वहां से जाने लगा। लेकिन जब वो छड़ी पर बैठा तो वो उड़ी ही नहीं। लड़के ने कहा, मुझे आगे जाना है। छड़ी तू रुक क्यों गई? छड़ी फिर भी नहीं उड़ी। तब लड़का थोड़ी देर सोचने लगा कि ये हुआ क्या। फिर उसे याद आया कि दादी माँ ने कहा था कि जब वह किसी जरूरतमंद की मदद करेगा तभी यह काम करेगी। लड़के ने सोचा कि उसने उस अपाहिज का विश्वास न करके उसकी मदद नहीं की। जब उसने अपाहिज को खाना देने के लिए छड़ी से कहा तो छड़ी फिर से काम करने लगी और इसके बाद वो छड़ी के साथ आगे बढ़ गया और जगह जगह जाकर लोगों की मदद करने लगा। अगले दिन शाम को फिर से जंगल जाकर महिला के घर के बाहर जाकर उसने आवाज दी, दादी माँ, ओ दादी माँ, देखो मैं आ गया। ठीक है, तू बैठ, अभी तुझे खाना देती हूँ। और इस प्रकार वो लड़का हर रोज दूसरे गांव में जाकर लोगों की मदद करता था और शाम को दादी माँ के पास ही जाकर खाना खाता था। अब दादी माँ का घर ही उसका घर था। दोनों साथ में बहुत खुश होकर रहने लगे।